नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग के चलते पर्यावरण के ऊपर मंडरा रहे प्रदूषण को लेकर सरकार ने इसके उपयोग पर बीते दिनों पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के सापेक्ष में रविवार की देर शाम को रेवतीपुर थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने थाना अंतर्गत प्रमुख चौराहों, गांव आदि जगहों पर दुकानदारों से और अन्य ग्रामीणों से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसके उपयोग न करने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ चेताया कि प्रयोग करते पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि प्रदेश सरकार द्वारा बीते 15 जुलाई से प्रदेश भर में 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर दुकानदारों व आम लोगों में खास जागरूकता तो नहीं दिखा, लेकिन रेवतीपुर थाना अध्यक्ष इसको लेकर गंभीर नजर आए, जो अपने हमराही साथियों के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों, कस्बों, चौराहों आदि जगहों पर जाकर दुकानदारों व आम लोगों को प्लास्टिक के उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही चेताया कि अगर इसका उपयोग करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इनके इस कार्रवाई का रेवतीपुर में असर भी दिखना आरंभ हो गया है। यहाँ के कई दुकानदार जूट के बैग रख अपनी दुकानदारी करना आरंभ कर दिए हैं। सिर्फ छोटे व्यापारियों पे ही उनका मतलब ये न रहे कि छोटे व्यापारियों को ही तंग किया जाए, इसके लिए योगी जी को चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की प्लास्टिक की कंपनी को ही बंद कर दें। अगर प्लास्टिक को कंपनी बंद हो जाएगी तभी मतलब ना मार्केट में मिलेगा, ना छोटा व्यापारी लाकर अपना सब्जी और कुछ जो बेचना होगा वो बेचेगा। 50-50 माइक्रो की प्लास्टिक पे जो है बैन लग गई है, तो शासन की मंशा के अनुरूप हमें जो है पालन कराना है। मैंने दुकानदारों को और जो यहाँ के फल वाले हैं जो सब प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने सबको वार्निंग दे दी है और प्लास्टिक से हटा दिया है। शासन की मंशा के अनुरूप जन सामान की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश का पालन कराना है। धन्यवाद। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।